हाँ तो जनाब फाइनल अभी सुबह हम उठ चुके हैं और नाश्ता लग रहा है। सारे दोस्त बैठे हैं हॉल में नाश्ते के लिए। गाड़ी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, सामान रख दिया गया है। जस्ट इन 5 मिनट्स नाश्ता लग जाएगा। ये राशिद भी बैठे हैं, हमजा भी बैठे हैं और थोड़ी देर में हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद सीधा मालूम चला चलेंगे। हाँ तो जनाब फाइनली हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम फिजा घाट से मालम जबा की तरफ जा रहे हैं। रंग बिरंगी दुकानें, रंग बिरंगी चीज़ें पड़ी हैं और मज़े की बात यार यहाँ पर रास्ते में एक ऐसी जगह भी आती है जहाँ पे आपको कलरफुल हाउस नज़र आते हैं। आप सामने देख सकते हैं रंग बिरंगे घर बने हैं। ये जगह मैं कहता हूँ कमाल की है भाई। मंजिल भी खूबसूरत होगी लेकिन सफ़र की तो क्या ही बात है। फिर हम मालम जबा के करीब पहुंचे जहाँ पे पहाड़ों पर बर्फ नज़र आ रही थी और उनके ऊपर बने होटल्स ये देखने के काबिल थे। नेचुरल ब्यूटी पीक पे थी, लेवल है ब्रो। फिर फाइनली हम मालम जबा पहुंचे, वहाँ से टिकट खरीदी एंट्री की, 1000 की हमें मिली और थोड़ा सा लाइनों पे खड़ा होना पड़ा और उसके बाद कुछ इंतज़ार करने के बाद आप अंदर एंटर हो जाते हैं। और हेलो एवरीवन, सो इस वक्त हम मालम जबा पहुंच चुके हैं। यहाँ पीछे लाइन लगी थी, वहाँ पे एंट्री का ये एंट्री करके जैसे ही अंदर आए हैं तो यहाँ पर बैठने की जगह बनी हुई थी। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और वो पीछे देखें जी चेयर लिफ्ट नज़र आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है क्योंकि यहाँ पे धूप निकली है और ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं और हवा भी रुकी हुई है। और ये जी हमारे पीछे बिजी बुरबन ये देखिए और चश्के हैं यहाँ पर। काफ़ी सारे दोस्त आए हैं, आपको इधर से मैं व्यू चेक कराता हूँ। हाँ तो फाइनली जनाब ये वो जगह है जहाँ से आपको व्यू मिलता है मालम जबा का पूरा व्यू। मीन्स के आपको यहाँ से जिप लाइन को देख सकते हैं, स्केटिंग को देख सकते हैं, चेयर लिफ्ट जो जा रही हैं उसको आप देख सकते हैं और बहुत ही क्लास का व्यू मिलता है। थोड़ी देर बाद हम चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे और बैठ के हम पहाड़ी की चोटी पे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर लिफ्ट, जिप लाइन और ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और यार अमेजिंग प्लेस है यार मालम जबा, बहुत ही आला प्लेस है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ ज़रूर तशरीफ लें। सो गाइस फाइनली हमने टिकट्स ले ली हैं और चेयर लिफ्ट पर बैठ के अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। सो अभी लाइन पे लगे हैं, लाइन तो आज है ही नहीं, रश बिल्कुल भी नहीं है। सो उम्मीद है कि जल्दी पहुँच जाएँ। तो आपको बताते चलें कि हम चेयर लिफ्ट पे बैठ चुके हैं, मालम जबा पहुँच गए थे, आपको साथ साथ अपडेट तो देते ही हैं। सो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेदर है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, हर तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है और रश भी नहीं है यार। चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद आपको ये व्यू मिलता है, इट्स अ वेरी अमेजिंग यार। अगर आप फैमिलीज़ के साथ यहाँ आते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेस्ट प्लेस है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ा ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है तो आपके पास पूरी तरह हर चीज़ का बंदोबस्त होना चाहिए। यहाँ से आपको बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है, आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल नंबर आ रहा है, इसका कॉन्टैक्ट करके आप हमारे साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।